वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल एग्जाम। जैसे कि पता है गिल एक पीएसयू है, पीएसयू में वैकेंसी आई है, डायरेक्टली वैकेंसी आई है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। गिल इंडिया जो महारत्ना पीएसयू है और इसमें गैस अथॉरिटी है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, और नेचुरल गैस के लिए एक कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो किस किस के पोस्ट के लिए है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पोस्ट जो आया है आपके लिए जो शानदार, और मार्केटिंग मैनेजर जो होंगे, मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर कमोडिटी एंड रिस्क एंड मैनेजमेंट। इसमें आपकी दो वैकेंसी है जनरल के लिए और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए और एससी के लिए, टोटल आपकी चार वैकेंसी है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद आपके मार्केटिंग मैनेजर में इंटरनेशनल एलजी शिपिंग के ये सारी चीज़ें हैं गाइस, ओके। बाकी और भी देखते हैं, अगला जो वैकेंसी है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए लोग बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में सर वैकेंसी नहीं आती है, तो केमिकल इंजीनियरिंग का देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में कितनी वैकेंसी है और जो आपके लिए शानदार और ज़बरदस्त हो सकता है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी टोटल सात वैकेंसी है गाइस, सेवन वैकेंसी है, और टोटल जनरल में आपकी तीन है, ईडब्ल्यूएस में वन है, ओबीसी में वन है, एससी में वन, एसटी में टोटल सात वैकेंसी है गाइस, ओके। अब अगला है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारा वैकेंसी है गाइस, जो कह सकते हो बहुत सारा है, सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 51 है, ठीक है। इसमें आपके जनरल की जो पोस्ट है आपकी 20 है, 20 जनरल की है, फिर ईडब्ल्यूएस की है, फिर 14 आपकी कह सकते हो ओबीसी की है, फिर एससी की 8 है, फिर एसटी की 4 है गाइस, ठीक है। और ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, आगे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो पहले मैं समझते हैं क्या है सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 26 है, आपकी जनरल की बात किया जाए 10 है, आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर ईडब्ल्यूएस की है, फिर ये ओबीसी की है, फिर एएससी की है, फिर एएसटी की है, ठीक है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, दो जनरल की है और वन एससी की है गाइस। अब बात करते हैं इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है, जिसमें आपकी जनरल की वैकेंसी 6 है और ईडब्ल्यूएस की 2 है, और आपकी 4 वैकेंसीज आपकी ओबीसी की है गाइस, और बाकी 2 वैकेंसी आपकी एससी की है और 1 वैकेंसी एसटी के, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सीनियर इंजीनियर देख सकते हो, जैसे सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन का है, सीनियर इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है, आप इस डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिसर है, फिर सीनियर ऑफिसर ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा टोटल हो गया। इधर आप देखते हैं सीनियर ऑफिसर बीआईएस, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, सीनियर ऑफिसर एचआर, सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर लास्ट, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस, तो ऑफिसर लेबोरेटरी, तो ये बहुत सारे वैकेंसी है गाइस, ठीक है। तो ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिस लैंग्वेज, ओके। तो नंबर सीनियर देखिए यहाँ पे दिया है गाइस केमिकल इंजीनियरिंग का, दो या अब 220 वैकेंसी कैटेगरी, 200 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है गाइस, 220, ठीक है, 220 वैकेंसी है, देख सकते हो यहाँ पे डिसेबल वाले पर्सन के लिए भी दिया गया है, ठीक है, ओके। चलिए ये देखिए पीडब्ल्यू पूरा वहाँ पे जो आपको दिया था वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन देखो, मार्केटिंग मैनेजर के लिए आपको बीकॉम होना चाहिए, सीए होना चाहिए, ग्रेजुएट एंड बीए होना चाहिए, ग्रेजुएट या बीए, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ये चीज़ है मार्केटिंग इंजीनियर मार्केटिंग मैनेजर में, ठीक है। इंजीनियरिंग पर चलते हैं क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला आता है सीनियर इंजीनियर केमिकल में। तो केमिकल में आप जाते हो, केमिकल इंजीनियरिंग में आपको देखिए, सीनियर इंजीनियरिंग में आपकी जो ग्रेड होगी 60,000 से 1,80,000 के बीच होगी, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 1 ईयर क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस मांगा है गाइस, ये चीज़ थोड़ा सा है, एक्सपीरियंस मांगा है गेल में, ये चीज़ बहुत दुखता है लोगों के लिए। तो 1 ईयर मांगा है, बट बैचलर डिग्री एंड 65% मार्क्स आपका होना चाहिए बीटेक में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है सीनियर इंजीनियरिंग। देखिए अब सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में सेम है, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 पोस्ट, 1 मिनिमम 1 ईयर
पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव लाइन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ZETMT प्रोजेक्ट कम्युनिकेटिंग मेंटेनेंस इन पेट्रोकेमिकल, ये सारी चीज़ें आपको मांगा है गाइस। ठीक है, आप सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है गाइस, और 65% मांग वही सेम सैलरी है गाइस। सीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, सीनियर इंजीनियर में 65 बैचलर डिग्री इन 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी ये भी सारे 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गाइस यहाँ पे दिक्कत होती है। एक्सपीरियंस पोस्ट जब आता है तो बहुत दुख होती है लोगों के लिए, क्यों मांगता है बैचलर डिग्री मांग के को मांगता है, ये पूरा देख सकते हैं अदर ब्रांच के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं गाइस, आगे बहुत सारी हैं वैकेंसी, जो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है मिनिमम SNG क्वालिफिकेशन पे टेबल में दिया हुआ, 1 फुल रेगुलर कोर्स विल बी कंसीडर, और मिनिमम यहाँ पे UGC डिप्लोमा इन क्वालिफिकेशन इफ़ एप्लीकेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज भी दिया है उसमें। देखिए, इंजीनियरिंग इन डिग्री कैंडिडेट शुड बी 5 ईयर इंटीग्रेटेड ड्यूअल कोर्स इंजीनियरिंग रिलेटेड, इसमें सैलरी आल्सो बी कंसीडर। ठीक है, 5 ईयर वाले भी कंसीडर कर सकते हैं, MBA MCG मिनिमम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टेट एंड गवर्नमेंट दिया है गाइस, तो यहाँ देख सकते हो सारी चीज़ें। बाकी लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एलबिट द 500 प्लस 200 करोड़, ये सारी चीज़ें हैं भाई। बाकी आपको देख सर रिलैक्सेशन मिनिमम परसेंट मार्क एजुकेशन दिया है 65%, आप वो जनरल के लिए OBC के लिए भी हुई है, SC ST के लिए आपको 55% होना ज़रूरी है। अपर एज लिमिट ऑफ दिया 5/2003, ये सारी चीज़ें दिया है गाइस, मैक्सिमम अपर लेट, तो यहाँ पे देख सकते हो जो सैलरी होगी बेसिक सैलरी की बात किया जाए, ये ग्रुप जो है E3 ग्रेड E1 ग्रेड E2 ग्रेड इंजीनियर की ये वाली ग्रेड है 60,000 से 1,80,000, तो इनिशियल बेसिक पे उनका 60,000 होगा। ठीक है, और कैंडिडेट सेल्फ सीनियर ऑफिसर Grade 2 एंड ग्रेंटेड पर्सन, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। एडवांस इंक्रीमेंट एप्लीकेशन परसनेटली 3% ओवर द प्रोटेक्ट ऑफ पे बेसिक DA विल बी अलाउड अन 1 एडवांस इंक्रीमेंट एप्लीकेशन रेट परसनेटली 3% कम्युनिकेट बेसिक ओवर, तो ये सारी चीज़ें दिया है आप पढ़ सकते हो गाइस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सीनियर मैनेजर ऑल ग्रेजुएट पोस्ट सीनियर इंजीनियर पे अलाउंस दिया है, पे अलाउंस बेसिक पे आ जाए के प्लस ग्रेड वेरिएबल डेरेंस अलाउंस एट द अप्लीकेबल रेट एंड पर्क अलाउंस एंड अंडर कैफेट अप्रोच, वेरिएबल पे भी है, अदर बेनिफिट कंपनी एकोमेंडेशन लीस्ट एकोमेंडेशन HRA मेडिकल फैसिलिटी ग्रुप इंश्योरेंस हाउस बिल्डिंग एडवांस कन्वे एडवांस CT एज पर द रूल ऑफ कंपनी सुपर माउंथ बेनिफिट दिया है, तो ये सारी चीज़ें दिया है। पोस्ट देखिए यहाँ पे दिखा है सब्जेक्ट टू फुली रिक्वायरमेंट ऑफ सम कंडीशनल एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल कंट्रीब्यूट प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी पेंशन अंडर द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम एंड बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं गाइस। ठीक है, देखिए प्लेसमेंट असेसमेंट ये सारी एप्लीकेशन फ़ीस देखिए 200 रुपया फीस है गाइस, ये सबसे बड़ी बात है, 200 रुपया आपको फीस कम फीस पे करना है तो। ठीक है, बाकी ST ST को फ्री होगा, हाउ टू अप्लाई इनके वेबसाइट पे जाके करना है, लास्ट डेट आपका 7/7/2021 से शुरू है और लास्ट डेट 5/8/2021 तक है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है, सारा डॉक्यूमेंट देख सकते हो। बाकी यहाँ पे है सिलेबस, मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस में क्या क्या पूछेगा। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस की भी एक चीज़ें यहाँ पे है। हाउ अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या होगा देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे बहुत सारी अदर दन इंडियन नेशनल एलिजिबल अवेलेबल दिस दैट। ओके, तो गाइज यही सारा था, बाकी सिलेबस ऐसा कुछ दिया नहीं है गाइज। ठीक है, तो आपको सिलेबस ऐसा को सिलेक्शन प्रोसेस आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होता है, कैंडिडेट फुलफिलिंग फॉर्म एंड गेल बी अपॉइंटेड शॉर्ट लिंक क्राइटेरिया नंबर ऑफ कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस रिज्यूमर सुटेबिलिटी। इनका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा दिया नहीं है गाइस, क्या होगा ये डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपके, जो भी फॉर्म फिल करोगे इसके थ्रू करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो अच्छा से फॉर्म फिल करिए, बाकी इतना ही सारी था गाइस। और सिलेक्शन प्रोसेस में ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। चलो गाइस, बाकी इतना ही था अभी के लिए।